अगर आप अपने बिजनेस साइनबोर्ड को अट्रैक्टिव और अटेंशन सीकर बनाना चाहते हैं तो इस खबर को गौर से देखें। दरअसल दुकानों के बाहर नॉर्मल होर्डिंग और बोर्ड अब ओल्ड फैशन और ओल्ड ट्रेंड बन चुका है। ऐसे में LED डिस्प्ले एक नया ऑप्शन है, जहां आपको मिलेगा अपने हिसाब से हर रोज हर दिन अपनी दुकान और प्रोडक्ट का नया एड, और वो भी आप अपने मोबाइल से सेट कर सकते हैं। फिलहाल आप तक LED डिस्प्ले साइनबोर्ड लेकर आया है स्टार साइबरनेटिक्स। सबसे अहम बात यह है कि LED लाइट्स वेदर और डस्ट प्रूफ होते हैं, प्लस 2 साल की वारंटी भी आपको मिलती है। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें 9163459070। ये हम लोग ने लगभग, पहली बात मेरी कंपनी है जिसका नाम स्टार साइबरनेटिक्स है, ये पिछले हम लोग 7 साल से कमर्शियल डिस्प्ले, यानी सिर्फ LED नहीं उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, कियोस्क हो जाती है, डिजिटल साइनेज जो बड़ी बड़ी स्क्रीन लग रही 65 इंच की, 85 इंच की बड़ी बड़ी स्क्रीन लगती है, बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं जो कमर्शियल डिस्प्ले में यूज़ होती है। तो ये लगभग मैं 7 साल से लगभग ये लाइन पर हूँ और 7 साल से लगभग डिस्प्ले का काम कर रहा हूँ। ये जो शॉप के ऊपर जो नया कॉन्सेप्ट जी, कलकत्ता वालों के लिए तो नया है, तो ये आइडिया कैसे है? नहीं, ऐसा नहीं कि कलकत्ते वालों के लिए नया है, कलकत्ते में काफ़ी जगह लग चुका है, मगर आउट ऑफ सिटी दिल्ली मुंबई और बहुत शहर में बहुत हम लोग के प्रोजेक्ट हो चुके हैं। बेसिकली पैन इंडिया काम करते हैं हम लोग, है बहुत सारे टोल टैक्स से लेकर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट वगैरह हम लोग ने सब कुछ किया हुआ है। सबसे पहले हालात बंगाल और न्यूज़ टाइम्स के व्यूअर्स को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। हम सब के लिए रमज़ान बहुत अच्छी खबर लेकर आया और सबके लिए अच्छा हो। तो LED स्क्रीन्स पर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि अभी हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम देख पा रहे हैं, हर एक स्फेयर में, हर एक फील्ड में। सेम गोज विद द एडवर्टीजमेंट। अभी तक होता था कि एडवर्टीजमेंट एक जस्ट फिक्स बोर्डिंग हम लगा देते थे, एक बैनर कहीं पर लगा देते, अपने शॉप्स के बाहर में पेंट वगैरह से लिख लेते थे। पर अभी एक है कि LED आपको एक स्कोप, अनलिमिटेड स्कोप देता है कि आप अपने कॉन्टेंट्स के साथ अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे कैसे आप हो सकता है इसमें। आपको फिक्स कॉन्टेंट से लेकर के आप चाहे तो उसमें मल्टीपल स्लाइड शोज, वीडियोज़, अपने हिसाब से कॉन्टेंट लगा सकते हैं, तो आपको अनलिमिटेड ये चीज़ रहता है। साथ ही साथ इसको आप ऑडियो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट के लिए आपको स्फेयर बढ़ा देता है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आपके जो डायरेक्ट बायर्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको क्या मैसेज पहुँचाना है वो मैसेज आप डाल सकते हो उसमें, अलग अलग ऑफर्स आप यूज़ कर सकते हो। और आपको साथ साथ ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, आपके कस्टमर्स को डायरेक्टली आई कैची होता है, उनको वो देख पाते हैं कि ये क्या ऑफर्स चल रहा है। तो हर किसी का, अगर आप 100 लोग आपकी दुकान के पास से गुजरते हैं तो 95 लोगों का नज़र उसके ऊपर पड़ता है कि ये क्या चीज़ है। इसका क्या रेंज पड़ेगा, क्या कीमत पड़ेगा, ये बताएं? ये डिपेंड करता है, इसका साइज़ बहुत छोटा साइज़ में भी आ सकता है, ये एक फीट से स्टार्ट से लेकर के हम चाहे तो उसको 100 फीट भी तक भी बना सकते हैं। ये अनलिमिटेड का ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि साइज़ हम बहुत बड़ा बड़ा बैनर्स तक भी इसको बना सकते हैं। एंड आप मोर और लेस ये एकदम कम मिनिमम तो 50-70 हज़ार से स्टार्ट करके अगेन ये 1.5-2 करोड़ तक भी जा सकता है, इसका कुछ ये नहीं है। बट आपके यूजेज के हिसाब से अलग अलग आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आपका कितना आपके बजट के हिसाब से हम लोग इस तरीके से आपको सामान अवेलेबल करवा देंगे। मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, चीप एंड इकोनॉमिकल आपके हिसाब से हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये बताइए, नॉर्मल जो शॉप में जो लगता है जो बोर्ड वगैरह होल्डिंग जो है वो 3-4-5 हज़ार में हो जाता है, तो आप लोग इतना खर्च क्यों करेंगे? डेफिनेटली एक बार वो आपका फिक्स इनकम है, आप सपोज एक बार ही आप 3-4 हज़ार रुपये आपने लगा करके वो बैनर हवा के झोंके के साथ निकल गया, ये आपको क्या होता है कि एक फिक्स इंस्टॉलेशन रहता है, इसमें ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ये वेदर प्रूफ होता है, इसको वेदर से कोई नुकसान नहीं हो सकता है, एंड ये लंबे टाइम तक चलता है। और जितना आप, अगर आप इसके ऊपर पैसे लगा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको ये रिटर्न दे देता है। और इसके साथ आप ये भी कर सकते हो कि इसको आप अपने एज अ बिजनेस मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने दुकान के सामने लगाए हैं और आप अपना कॉन्टेंट के साथ साथ आपके आसपास और भी छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, जो छोटे छोटे आपके ब्रांड्स हैं, आप उनका कंटेंट भी लगा सकते हैं, उससे आप एक चार्जेस, एक मंथली उनका चार्ज के बेसिस पे उनको आप स्लॉट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बिजनेस मॉडल भी बन जाता है। नॉर्मली कितना लोगों को आप लोगों ने इस तरह का सप्लाई वगैरह किया? हम लोग कैलकाटा के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉलेशन कर चुके हैं, बड़ा बाजार में हमने इंस्टॉलेशन किया, पार्क स्ट्रीट में हमने कुछ इंस्टॉलेशन किया, इसके अलावा हमारा पूरा ईस्टर्न इंडिया में हमारा इंस्टॉलेशन चलता है, हमने भुवनेश्वर में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमने इनफैक्ट पार्क स्ट्रीट के अंदर आपका एक LMNO क्यू बोल करके रेस्टोरेंट एंड हाई एंड रेस्टोरेंट है, तो उसके अंदर हमने सिलेंड्रिकल LED लगाया है जो कि बिल्कुल डांस बार के ऊपर में लगा हुआ है।
तो अगर कोई ऑर्डर दे तो कितना कितना टाइम आप लोगों को लगता है इसको? ये वेरी करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि साइज़ कितना बड़ा है, मगर फिर भी मोर ऑर लेस विद इन 10-15 डेज से लेकर के महीना डेढ़ महीना तक लग जाता है, जिसके अंदर हम लोग सारा कुछ करके आपको इंस्टॉलेशन के बाद आफ्टर उसके बाद कुछ भी अगर गड़बड़ होता है उसके लिए क्या आप लोग? वो हम लोग बिल्कुल उसके लिए आपको सर्विस, आप जस्ट वी आर जस्ट अ कॉल अवे, आपको जस्ट एक कॉल करना होगा और आपको एनी टाइम रिडेली सर्विसेज मिल जाएगी। एंड छोटा मोटा मेंटेनेंस के लिए कोई चार्ज भी नहीं लेते वो, क्योंकि बहुत माइनर प्रॉब्लम होता है, हम लोग जाकर वो देख लेते हैं। और अगर ये सबसे बेस्ट चीज़ है इसकी क्वालिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी, बहुत ड्यूरेबल होता है ये प्रोडक्ट। अगर और इसको सर्विसिंग चार्ज भी अगर आते हो तो माइनर छोटा मोटा डिफेक्ट्स होता है वो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये 2 ईयर वारंटी के साथ मिलेगा, 2 ईयर का वारंटी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। बारिश आती है, आंधी तूफान आता है, कोई दिक्कत नहीं है, वेदर प्रूफ होता है। और इसमें जो ब्राइटनेस भी, जैसे बहुत वगैरह होता है, कोई तकलीफ नहीं, वो माइनर हम उस सर्विसिंग के हिसाब से, जैसे हम लोग हर एक चीज़ को मेंटेन करते हैं अपने घर में भी, अगर छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी है तो उसको तो क्लीन करते हैं, ये भी आपको ये थोड़ा बहुत आपको इसके साथ हो जाता है, ये हम आ करके मेंटेनेंस में वो प्रोवाइड कर देते हैं। बेसिकली अभी क्या हो गया ना, ज़माना बहुत फ्यूचरिस्टिक, बहुत आगे चला गया है, क्यों इसके लिए क्या कर सकते हैं ना, पुराना बैनर्स वगैरह जो काफ़ी ओल्ड फैशन हो गया और पुराना हो गया है, तो ये सब के लिए अब काफ़ी ओल्ड फैशन के आगे, अब आगे बढ़ना इंसान को, तो आगे फ्यूचरिस्टिक चीज़ ये है, ये आज से 100 साल आगे भी ये बैनर रहेगा, क्योंकि हर चीज़ वो डिजिटल हो रहा है, हर चीज़ डिजिटल का आगे बढ़ रहा है, इसका लगाने का बहुत कुछ फ़ायदा है। आपके पास प्रोडक्ट बहुत सारा है, आप सिर्फ बैनर अपने नाम का लगा के इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपके पास 10 तरह का प्रोडक्ट है, आप उसको बाहर शो करते हैं, कस्टमर को दिखा सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट है, ऐसा ये चीज़ें हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको, कंटेंट आपको हर तरह का कंटेंट 3D से लेकर सारा कंटेंट बना सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड चीज़ें, आप जितना सारा कंटेंट डालेंगे उतना तरीके का चीज़ चलेगा जो आप नॉर्मल बैनर पर नहीं कर सकते ये चीज़। एक सवाल जो लोगों के माइंड में आता होगा बार बार, वो ये कि बारिश और ये कैलकाटा और यहाँ का जो ये वेदर, उसको लेकर आप क्या, आप लोगों ने सेफ्टी फीचर क्या है इसमें? सेफ्टी फीचर पहला बात, ये पूरे तरीके से वेदर प्रूफ है, इसमें बारिश हो, आंधी है, तूफान आए, धूल मिट्टी कुछ भी गिरे, इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सारा चीज़ प्रूफ रहता है। अगर कोई बंदा नॉर्मल सा ईटा भी मार देता है ना, तो ये भी टूटेगा नहीं उस पर, अगर कुछ भी बाय चांस अगर टूट भी जाता है किसी रीज़न से, कुछ भी ज़रा सा होता है ना, वो छोटा सा मॉड्यूल रहता है, छोटा सा चीज़ रहता है, बस उसी हिस्से को निकाल के वापस हम लोग लगा देते हैं, ऊपर से 2 साल की वारंटी रहती है, तो इसमें आपको 2 साल तक का बेफिक्र रहना, इसको कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी आपको कोई बेफिक्र टेंशन नहीं है। साइज़ क्या, इसका जो प्राइस है क्या, पर स्क्वायर फीट हिसाब से इसका चार्जेस होता है? सब 10 तरह के मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स इसमें इस तरह का देखा जाता है कि लोग जितने सामने से देखेंगे वो इतनी हाई क्वालिटी की होती है, मतलब छोटी छोटी पिक्सल्स होती है जो सामने से देखने के लिए, और अब जितना पीछे से देखेंगे वो बड़ा बड़ा पिक्सल्स आ जाएगा, तो हर तरीके का प्राइस अलग अलग आता है, 10 तरह का मॉडल्स आता है, 10 तरह का मॉडल्स का अलग अलग प्राइस स्क्वायर फीट में आता है। ये जो LED स्क्रीन आपने शॉप के बाहर में लगाया जी, आइडिया कैसे आया? एक्चुअली मैं एक साइनेज के एग्जीबिशन में गया था, तो वहाँ ये नया ट्रेंड चला हुआ है और फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जैसे दुबई, USA, न्यूयॉर्क में यूज़ हो रहा है, तो हमने भी सोचा कि अपने शॉप के बाहर में लगाया जाए, क्योंकि इससे क्या है, सिर्फ नाम नहीं बल्कि हम अपना सारा प्रोडक्ट भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जो नया आइटम आया वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग ने ये LED लगवाया। तोपसिया में शायद ये पहला दुकान है जी, हमारा पहला है तोपसिया जी, तो कैसा रिस्पांस है बताएं लोगों को? रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ जो भी जा रहे हैं LED की तरफ देखते हुए जा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट देख रहे हैं, होप सो कि रिस्पांस भी अच्छा आएगा हमारा। अब तक कैसा रिस्पांस है, लोग जब अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इंशाल्लाह देखिएगा आस्ते आस्ते, हम लोग तो बस समझिए ट्रेंड सेट किया है, मेरे ख्याल से तोपसिया में और भी शॉप्स लगवाएंगे, और हमारे ये भाई साहब है नियाज भाई, इनका भी थोड़ा बिजनेस चल पड़ेगा, अच्छा होगा, ये बेटरमेंट के लिए है, और क्या अच्छा है।